कनीना च होए बस हादसे तो बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट ते है। ट्रैफिक पुलिस ने हुण बस चेकिंग अभियान शुरू कर दिते ते पांच बसां दे चलान भी काट दिते ने, जिन्हां विचों एक बस बिना परमिट अते बिना नंबर दे सड़कां ते दौड़ रही सी, जिस तों बाद ट्रैफिक पुलिस ने गड्डी नूं रोक के चलान कटिया। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हेत राम ने दस्सिया कि स्कूल बस चेकिंग अभियान इसे तरह जारी रहेगा ते स्कूलां च जाके भी बसां दे दस्तावेज चेक किते जाणगे। बीते दिन महेंद्रगढ़ च बच्चां नाल भरी स्कूल बस दरखत दे विच जा टकराई सी, क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी रखी सी, जिस कारण कई बच्चों नूं अपनी जान तो हाथ धोने पै गए अते कई बच्चे गंभीर रूप च जख्मी हुए। अजिहा हादसा मुड़ ना होवे इस लई फतेहाबाद च पुलिस हुण चौकस हो गई है ते ट्रैफिक पुलिस हर स्कूल बस दी चैकिंग कर रही है अते जेड़े वाहन कानून नियमां नूं छिके टंग के बच्चों की जिंदगी की परवाह किते बिना सड़कों ते वाहन भजा रहे ने उन्हां खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाहन इंपाउंड भी किए जाएंगे जो नियमों की पालना नहीं करेंगे। पुलिस की इस कार्रवाई नूं तुसी किवें वेखदे हो अपनी राय कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखो। आज स्कूलों का नया सेशन को देखते हुए स्कूल बसों का पूरे जिले में टवाणा, रतिया, बुन्ना और भट्टू सभी जगह स्कूल बसों की गहन चेकिंग की गई है और जिन बसों का कागजात पूरे नहीं पाए गए हैं या जो स्कूल के बसों के नियम हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो पूरे नहीं मिले हैं उनका चलान भी किया गया है। तो कितनी बसों के चलान काटे गए और कितनी बसें चेक की गई? पांच हमने जो बसें चेक की है उनके कागजों के अंदर पांच बसों के अंदर कागजात कम पाए गए हैं जिनके चलान किए गए हैं। तो और क्या कमियां मिली हैं बसों के अंदर? बसों के अंदर किसी में तो सवारी ज्यादा थी, एक बस ये बिना नंबर प्लेट की थी, परमिट नहीं था, तो इसका चलान किया गया है और इसको निर्देश दिया गया है कि जब तक इसके नंबर प्लेट नहीं लगती और परमिट नहीं मिलता अपने स्कूल के अंदर खड़ी की जाए और एफिडेविट अलग से लिया जाएगा इसे। तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, आज हम दोपहर को भी और लगातार हम स्कूलों में भी जाएंगे और स्कूलों में चेक करेंगे बसे और वहीं पे स्कूलों में ही इनके चलान करेंगे ताकि बच्चों को परेशानी न हो किसी प्रकार की। ट्रैफिक पुलिस लगातार इस तरह का अभियान चलाती है जी? अब बिल्कुल, हमें स्कूल एडमिशन के समय चलाती है, वैसे चलान काटे जाते हैं? नहीं, वैसे हमारा तो अभियान फतेहाबाद जिले का चलता रहता है, स्कूल बसों की हम चेकिंग करते रहते हैं और लगभग स्कूलों के कागजात पूरे हैं। यहाँ एक दो स्कूल की हमारे संज्ञान में आया है, उनका स्कूल में जाके हम गाड़ियों के कागज चेक करेंगे और उनको पूरा करवाएंगे। अभी देखने में आया कि जो मैजिक वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है बिना पीला रंग और बिना मानक लेने किए दौड़ने, जो जिनके पास स्कूल का परमिट नहीं है और अगर वो स्कूल की वैन है तो उनको इम्पाउंड किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में जो घटना घटी है, आठ बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा जो हरियाणा का जो पुलिस विभाग ज्यादा है? बिल्कुल, हमें अधिकारियों से निर्देश भी मिले हैं जी और हम बिल्कुल सतर्क है, पहले भी चलान करते रहते थे लेकिन अब हमारा फोकस इस पे ज्यादा रहेगा। तो स्कूल जो प्रशासन के जो है इंचार्ज हैं या जो प्रिंसिपल लगाए या डायरेक्टर लगाए उनको भी कोई नोटिस दिया जा रहा है अभी आपकी लापरवाही सामने आ रही है? बिल्कुल, हम हर स्कूल में जाएंगे, जितने भी प्राइवेट स्कूल है जहां वैन चलती है हम हर स्कूल में जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स वहीं स्कूलों में चेक करेंगे और उनको अलग से दिशा निर्देश देंगे भाई कोई ड्राइवर किसी प्रकार का शराब वगैरह तो नहीं पीता है और ऐसे अगर कोई ड्राइवर है तो उनको हम हटवाएंगे वहां से। तो स्कूल के अंदर ना अभी स्कूल के जो अभी पास नहीं करवाई आपने वैन और इसको सड़क पर घुमा रहे हो आप, वो तो उनको स्कूल आ रहा है। कब से चल रही है स्कूल वैन ये रोड पे? अब से चली है तो। हाँ जी, अब भी हो जी, महीना ही कोई तो इसके कागज नंबर वगैरह हैं? वो तो स्कूल आ रहा पास है, स्कूल आ रहा नहीं। आप ड्राइवर हो तो इस बस के अंदर क्या अभी रोड परमिट भी नहीं है और स्कूल का वैन का नंबर भी नहीं लगा हुआ? लाइसेंस है आपके पास? कौन है स्कूल की बस है ये? मेरी चटनी स्कूल। तो अभी आपकी कोई बात हुई है किसी स्कूल प्रिंसिपल से किसी और से?